Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for supporting me. I hope you guys are doing well. आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑल स्किन टाइप फेस पैक, जिसको मैं बनाने वाली हूँ समर की यमी फ्रूट मैंगो से, क्योंकि मैंगो में है एंटीऑक्सीडेंट जो कि स्किन को नरिश करता है, और उसके साथ साथ पोटेशियम एंड विटामिन ई जो कि स्किन के हर एक सेल्स को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखने में बहुत ही मदद करता है। तो ये क्या होगा, ये पैक यूज़ करने के बाद आपको एक फेशियल इफेक्ट देगा जो देखने लायक हो जाएगा। जस्ट फॉलो मी। शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सबको ये मैं बता दूं कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ उसका ब्रांड मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं किसी चीज़ का ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ। जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लेना है मैंगो, जो कि मैंने इसे ऑलरेडी इसको ग्रेट करके रख दिया है। जितना ग्रेटेड है उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं इसके साथ यूज़ करूँगी कर्ड, क्योंकि कर्ड जो है वो ऑलरेडी एक क्लींजिंग एजेंट है और हमारे सेल्स को, हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है और क्लीन भी करता है। क्लीन करने के बाद ऑटोमेटिकली स्किन ग्लो करने लग जाएगा। आप देख लेना कि मैंने इसमें कर्ड डाल दिया है। कर्ड डालने के बाद मुझे इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसके साथ साथ मैं ऐड करूँगी हनी। अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट शोइंग एनी ब्रांड विच ब्रांड आई एम यूजिंग, यू कैन टेक एनी ब्रांड। मैंने थोड़ा सा हनी भी यूज़ कर लिया है, आप देख सकते हैं ये है हनी। तो सबसे पहले मैं इन तीनों चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर मैंगो में ज़्यादा वाटर कंटेंट है तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वाटरी होने से ये सब जब लगाओगे तब थोड़ा सा ड्रिप करेगा। तो ये हो गया तीनों। इसके साथ साथ मैं इसके साथ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना, ज़्यादा नहीं, 3-4 ड्रॉप काफ़ी है। इसके साथ साथ मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा आमंड ऑयल, वो भी सेम 3-4 ड्रॉप काफ़ी है। मैंने दोनों ही डाल लिया है, आप शायद नहीं देख सकते, पर मैं मिक्स कर रही हूँ। सिंस आई एम नॉट शोइंग विच ब्रांड आई एम यूजिंग, इसलिए मैं आप सब लोग को मैं क्या डाल रही हूँ, कितने क्वांटिटी में डाल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ पर दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्रांडिंग नहीं करना है, ना मैं किसी चीज़ का ब्रांडिंग कर रही हूँ। ये बन गया आपका मिक्सचर। आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़्यादा ही, बहुत ही अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि अगर ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ तो आपके फेस के ऊपर ठीक से बैठेगा नहीं। और इसके बाद मैं आपको लगा के भी दिखाऊँगी। और एक चीज़ बता दूँ, इसके बाद ये जब हो गया, इसको मैं लगाऊँगी, लगाने के बाद मैं क्या यूज़ करूँगी, इसे धोने के बाद मैं क्या यूज़ करूँगी, वो भी आप सबको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए इस मिक्सचर को कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट क्लिपिंग माई हेयर। ओके, तो मैं ब्रश नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ कॉटन बॉल्स, क्योंकि हर किसी के पास ब्रश नहीं होता, तो इट वुड बी ईजियर, आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मैंने कॉटन बॉल्स लिया है। कॉटन बॉल्स को इसके अंदर मैं डिप करूँगी, आप देख सकते हैं इसमें वाटर कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है। बॉल को मैंने इसमें डिप कर लिया है। अभी मुझे लगाना है, आई जोन को छोड़ के लगाना है। ऐसे एक सेम वे में लगाना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा वाटरी हो जाएगा इसमें नहीं बैठेगा, तब ड्रॉप होके नीचे आ जाएगा। तो आपको जो मिलना चाहिए, जो इसका रिजल्ट जो इससे मिलेगा आपको, वो आपसे नहीं मिलेगा अगर ये ज़्यादा वाटरी है। तो जब आप मैंगो को ब्लेंड कर रहे हो तो आप प्लीज़ आप देख लेना।
अगर आपके पास ब्रश है आप ज़रूर ब्रश यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सबके पास ब्रश नहीं होता, इसीलिए मैं ये कॉटन बॉल से करके दिखा रही हूँ। सॉरी स्किम दिल माय आईब्रो। सो आपको आई एरियाज में नहीं लगाना है, अंडर आई में नहीं लगाना है। मैंने अच्छे से लगा लिया। मैं जब इसे लगाने के 20 मिनट्स बाद जब धो के आऊंगी, आप देख सकते हो इसका रिजल्ट, और यू विल बी अमेज्ड फॉर दैट। मैं बोल रही हूँ ना, इसको यूज करने के बाद आपको फेशियल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर इसके साथ साथ आप नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो तो। और एक चीज़ डेफिनेटली याद रखना, अब जब भी कुछ फेस पे लगाए तो अपने नेक पे ज़रूर लगाए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपका नेक ऐसे ही रह जाएगा, उसका डिस्कलरेशन हो जाएगा, जो ग्लो जो स्किन टोन आपके फेस में आएगा वो आपके नेक में नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए नेक में लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने लगा लिया, आई विल ट्राई इट आफ्टर 20 मिनट्स, मैं वापस आ रही हूँ। ओके हाय, मैं आ गई हूँ वापस, और मेरे साथ लेके आई हूँ एक वॉर्म टॉवल, जिसको मैंने गर्म पानी से सोख किया था, और मैंने फेस धो भी लिया है, आप देख सकते हो। आई थिंक यू कैन सी द चेंजेस, देख सकते हो, आपको अंदर से एक डिफरेंट सा ग्लो आपको दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, आपका स्किन ये यूज करने के बाद ज्यादा खिंचा खिंचा सा लगेगा भी नहीं, आपको फील ही नहीं होगा कि आपको टोनर या फिर कोई मॉइस्चराइजर या फिर कुछ सीरम यूज करना है। पर फिर भी मैं बोलूंगी आप सीरम या फिर टोनर यूज किया कीजिए, और उसका फॉर्मूला मैं आपको बता के भी दिखाऊंगी। उससे पहले मैं ये वॉर्म टॉवल जो है डैप कर लूंगी। वार्म टॉवल को डब डब करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा स्किन स्किन स्पोर्स जो है वो उसको अंदर से उसका नरिशमेंट अंदर तक बहुत ज़्यादा है, उस वार्म चीज़ के वार्म टॉवल की वजह से। ज़्यादा रगड़ना नहीं, बस इसे डैप करना है ऐसे ऐसे, बस इसे डैप करते रहना है, रगड़ना नहीं है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं सीरम किस चीज़ से बना रही हूँ। और हाँ, मैं सीरम भी बना के दिखाऊंगी और टोनर भी बना के दिखाऊंगी। अगर आप ये इवनिंग को यूज़ कर रहे हो, अगर ये फेस पैक आप इवनिंग को लगा रहे हो, तो आप सीरम ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आफ्टर दैट आप सनलाइट में नहीं जा रहे हो, राइट? सो आपके स्किन को रेस्ट मिलेगा और उसको ज़्यादा मॉइस्चराइज मिलेगा, इट विल बिकम मोर मॉइस्चराइज। तो आपको सीरम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। सीरम के लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल, और अगर आप बाहर जा रहे हो इसके फेस पैक के यूज़ करने के बाद, अगर आपको कोई और काम है, अगर आप कोई और कहीं और जा रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टोनर यूज़ करना है। उस टोनर का फॉर्मूला भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैं ले रही हूँ क्या, आप देख सकते हो एलोवेरा जेल मैंने ले लिया है। एलोवेरा जेल के साथ मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, थोड़ा सा रोज़ वाटर, थोड़ा सा, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं, नहीं तो लिक्विड ही हो जाएगा। सो मैंने ले लिया है रोज़ वाटर, मैंने ले लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ग्लिसरीन, जो कि आपके स्किन को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है। ग्लिसरीन को, एक मिनट, मैं ग्लिसरीन डाल रही हूँ, सॉरी, थोड़ा सा डाल रही हूँ, मेरे पास ऑर्गेनिक ग्लिसरीन है। अगर आपके पास कोई भी ग्लिसरीन होगा तो चलेगा। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे ब्लेंड करना है। ऐसे थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद, सॉरी फॉर दिस किच किच, थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद इसमें वन ड्रॉप आपको कोकोनट ऑयल, नहीं तो आमंड ऑयल, दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं, जस्ट वन ड्रॉप मैं ले लेती हूँ। अगर कोकोनट ऑयल है तो वर्जिन होने से बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास आमंड ऑयल है आप उसे ही यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस बस वन ड्रॉप। तो मैंने यूज़ कर लिया है।
आप देख लेना, आई एम सॉरी अगेन फॉर दिस किच किच। तो इसका टेक्सचर, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर आप चेंज होता हो, इट वॉज ग्रीन राइट। सो आप देखना इसका टेक्सचर सीरम जैसा हो गया है। आप इसे जितना इसे मिक्स करोगे, जितना मिक्स करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक के साथ दूसरा इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाता है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर जब आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप ठीक से मिक्स नहीं कर रहे हो तो इंग्रेडिएंट्स ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि एक साथ वो ठीक से ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो शायद मेरा ये ब्लेंड हो गया है। ब्लेंड करने के बाद आपका ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, दिखा दे रहा, ये नहीं गिर रहा, एकदम सीरम जैसा हो जाएगा। तो जब ये सीरम जैसा हो गया, आप नॉर्मली सीरम जैसे लगाते हो लगा लेना है। और मैं इसके साथ साथ बोलूँगी थोड़ा सा 1 or 2 मिनट जस्ट मसाज कीजिएगा, क्योंकि हमारे स्किन को मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेड सेल चला जाता है, उसकी जगह पर नए सेल्स आते हैं, उसके लिए मसाज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्किन टाइटन रहता है, उसका रिंकल कम आता है और हमेशा ग्लोइंग रहता है आपका स्किन। अगर आपका स्किन ग्लोइंग रहेगा आपको भी अच्छा लगेगा राइट। तो ऐसे कर लेना है, और भूलना मत कि आपको अपने गले में भी, अपने नेक में भी लगा लेना है। मैंने लगा लिया है, इसके ऊपर ही आप अपना सनस्क्रीन भी नाइट क्रीम भी लगा सकते हो, सॉरी आई टोल्ड सनस्क्रीन, आप नाइट क्रीम भी लगा सकते हो अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो। और अगर आप बाहर जा रहे हो तो मैं जो टोनर बोलूँगी उस टोनर को यूज़ करके उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिएगा। अभी चलते हैं टोनर की तरफ। मैं बताती हूँ टोनर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। एक बॉटल जिसके अंदर मैंने रोज़ वाटर ऑलरेडी लेके रख दिया है, ये रोज़ वाटर है। इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा ग्रीन टी, मैंने जो इसमें बना के रख दिया है आप देख सकते हो, ये ग्रीन टी है। सो ज़्यादा नहीं लेना है, ग्रीन टी का क्वांटिटी रोज़ वाटर से कम होना चाहिए। अगर कैसा होना चाहिए, अगर रोज़ वाटर 70% है तो 30% होना चाहिए ग्रीन टी, 50-50 नहीं होना चाहिए, 60-40 भी चलेगा पर 50-50 नहीं होना चाहिए। सो मैं इसी ग्रीन टी को अभी, एक मिनट, मैं इस बॉटल में डालने जा रही हूँ। ये है मेरी रोज़ वाटर, अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे था, इट वाज 70% एंड इतना सा बस फील हुआ है ग्रीन टी देने के बाद, इससे ज़्यादा नहीं, 50-50 तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं इसी के अंदर डालूँगी थोड़ा सा 3 ड्रॉप ऑफ, क्योंकि मेरा इतना है इसलिए मैं 3 ड्रॉप डाल रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बना रहे हो, सो मेजर द क्वांटिटी। मैं डाल रही हूँ ग्लिसरीन 3 ड्रॉप इतनी क्वांटिटी के लिए। सो मैं डाल के आ रही हूँ, जस्ट अ मिनट, मैंने डाल दिया है ग्लिसरीन। मुझे मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉरी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगी, ये स्प्रे बॉटल है, मैंने मुँह लगा लिया, तो मैं अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अभी देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तो बहुत ही ईजी है, आपको बस स्प्रे करना है। मैंने सीरम यूज़ किया हुआ था, फिर भी कोई बात नहीं, टोनर ही है, अच्छा है, तो मैंने इसके ऊपर यूज़ कर लिया। आप भी ऐसे यूज़ करके इसे सूखने के बाद, आप अगर आप बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन, और अगर आप नाइट को कर रहे हो तो अगेन दैट सीरम आप यूज़ कर सकते हो। आप ये जो फेशियल किट जो भी मैंने आज बोला है, अगर आप सबको अच्छा लगे आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या फीडबैक है आपका, आपको कैसा लगा, आपका क्या रिजल्ट मिला। तो मुझे, मैं बहुत ही इंस्पायर हो जाऊंगी और डेफिनेटली आपके लिए और नए नए वीडियो लेके आ जाऊंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।